अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह सुजुकी मेहरान जो है ये तैयार हो चुकी है, कंप्लीट गाड़ी हमने तैयार की है ए टू जी। आपने इसकी पुरानी तस्वीरें वगैरह भी देखी हैं और आपने अगर अभी तक इसकी पुरानी रजिस्ट्रेशन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप इसकी पुरानी रजिस्ट्रेशन वीडियोज़ देख सकते हैं। अभी मैं आपको कम्प्लीट गाड़ी का रिव्यू दे देता हूँ और वीडियो के एंड में आपके साथ इसकी मुकम्मल डिटेल शेयर की जाएगी, इसका खर्चा शेयर की जाएगा, इसके ऊपर कितने पैसे लगे हैं। तो ये जो है 1989 मॉडल की गाड़ी है और इस टाइम को बंदा देख के ये पहचान नहीं सकता कि 89 मॉडल की गाड़ी है। कंप्लीट गाड़ी तैयार हुई है, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट इसका देख लें जनाब, इसकी लाइट्स ठीक है, दोनों लाइट्स इसकी नहीं डली हैं, इसकी ग्रिल नहीं डली है, लोगो वगैरह इसके नहीं लगे हैं। उसके बाद इसका बम्पर देख लें, बम्पर भी न्यू लगा है। इसके अंदर जो ये बम्पर की लाइट्स आती हैं ठीक है जी, ये भी नहीं लगी हैं। उसके बाद इसके फेंडर देख लें, ये फेंडर देख लें, बिल्कुल न्यू फेंडर लगा है और इसका बोनट भी चेंज हुआ है और इसके फेंडर भी दोनों चेंज हुए हैं फ्रंट वाले। और इसकी ये शाइन वगैरह देख लें, इसके ये पेंट की क्वालिटी चेक करें कितनी अच्छी क्वालिटी का पेंट है। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ तो ये देखें इसका अलॉय रिम्स और इसके टायर, ये भी ब्रांड न्यू लगाए गए हैं। इसके अलॉय रिम जो हैं ये तकरीबन 23,000 रुपये के हैं और इसके टायर तकरीबन 17,000 रुपये के हैं। इसके रिमोट टायर जो है ना टोटल जो हैं 40,000 रुपये के आए हैं। अभी मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ, फिर इसके आ जाते हैं जी ये साइड मिरर्स, तो ये साइड मिरर भी इसके नहीं लगे हैं। इसकी स्क्रीन जो है ये मेरा ख्याल है इसकी अपनी है। बाकी इसकी छत देख लें, इसकी छत जो है बिल्कुल जो है ना न्यू हो गई है, छत भी सारी पेंट हुई है। और आपको मैं बता दूँ ये गाड़ी जो है वाइट कलर में थी पहले, तो इसका हमने कलर भी चेंज किया है, इसको सिल्वर कलर में कन्वर्ट किया है। कंप्लीट गाड़ी जो है ना अंदर से बाहर से सिल्वर कलर में हो चुकी है। अभी मैं आपको आगे से दिखाता हूँ, ये दरवाज़ा इसका देखें, ये देखें इसकी शाइन देख लें कितनी अच्छी है और ग्राउंड कितनी अच्छी बनी हुई है, बिल्कुल आपको इसमें कहीं वेव्स वगैरह नज़र नहीं आएंगी। इसके फिर ये नीचे गोले आ गए, इसके गोले वगैरह भी नहीं लगे, बहुत ज़्यादा पैसे इसके ऊपर लगे हैं, तो मैं सारी डिटेल जो है आपके साथ शेयर करूँगा। इसके ये रबड़ वगैरह भी हर चीज़ नहीं लगी है ठीक है जी। ये देख सकते हैं बैक साइड आ गई गाड़ी की, ये अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये अंदर से देख लें सारे ब्लैक पेंट करवा दिया गया जैसे नई गाड़ी का आता है। इसके शॉक्स वगैरह सारे नए डले हैं, इसका कंप्लीट सस्पेंशन का काम हुआ है और इसके बैरिंग वगैरह सारे चेंज हुए हैं
और इसका जो है ना इंजन भी ओवरऑल किया गया। अभी हम बैक साइड पे आ गए हैं, इसकी बैक साइड देख लें। माशाल्लाह जी बैक भी बहुत खूबसूरत तैयार हो गई है इसी तरह से। इसकी डिग्गी तो इसकी अपनी है, वही तैयार हुई है। उसके अलावा इसका बम्पर देख लें, बम्पर इसका नया डला है। इसकी पिछली लाइट्स देख लें, ये भी नई डली हैं। इसके ये लोगो देख लें, ये यूरो 2 के लोगो लगवा दिए गए हैं इसको। यहाँ से भी देख लें, ये लोगो सारे नए लग गए हुए हैं। यहाँ से अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका, ये रूफ़ के ऊपर जो इसके ट्रिम्स लगे होते हैं ये भी सारे नए लगे हैं। बाकी ये दरवाज़े देख लें, इसकी लाइंस वगैरह चेक करें, ये सारी लाइंस चेक करें, यहाँ से आगे से बिल्कुल लाइंस जो है ना इसकी अलाइंड है। इसके फिर नीचे आ जाते हैं, इसके मैं बैक साइड आपको दिखाऊँ। इसका पूरा फर्श जो है ना नीचे से ब्लैक कलर का पेंट किया गया है, ठीक है। और ये मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें अंदर से ब्लैक कलर का सारा पेंट कर दिया गया, इसका मुकम्मल फर्श नीचे से सारा ब्लैक पेंट कर दिया गया। उसके अलावा जो है ना गाड़ी का नीचे से आपको मैंने दिखाया था, इसका जो ये पैनल्स हैं, ये पैनल सारे चेंज हुए हैं। ये भी मैं आपको खोल के चेक करवाता हूँ। उसके अलावा फिर आपको इंटीरियर भी आगे दिखाऊंगा। इसके पैनल यहाँ से काटे थे सारे, ये काट के नीचे वाले सारे नए डाल दिए थे, ठीक है। इसी तरह जी आगे इसकी फ्रंट की तरफ आ जाते हैं, ये साइड देख लें माशाल्लाह। और कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि गाड़ी आपको कैसी लग रही है। इसके अलावा रिम खास तौर पर मुझे बहुत पसंद आए हैं, और ये टायर जो हैं इसके ये चाइनीज़ हैं और बिल्कुल फ्रेश डेट की। अभी मैं आपको इसकी डेट भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर लिखी होती है, ये देख सकते हैं इस जगह पे, ये 20 लिखा हुआ ना, ये 2020 के फ्रेश टायर हैं, बिल्कुल न्यू टायर हैं। उसके अलावा आपको अंदर वाला हिस्सा देख लें इसका, इसका फ्रंट हमने कम्प्लीट यहाँ से ऐसे काटा था, ये जगह ऐसे काट के, तो ये सारा आगे वाला हिस्सा चेंज किया था। और अब यहाँ से कोई बंदा देख के पहचान नहीं सकता कि ये वही गाड़ी है जिसको हमने फ्रंट से काट के चेंज किया था। इसकी शील्ड वगैरह, इसकी ये लाइट्स, हर चीज़ नहीं डाल गई है, वाइपर्स वगैरह भी और बाकी चीज़ें भी। अब मैं फ्रंट की तरफ आ गया हूँ, तो अभी मैं आपको इसका बोनट वगैरह भी खोल के चेक करवा देता हूँ सारा कुछ। तो अभी हम इसका बोनट खोल लेते हैं। बोनट को मैंने स्टैंड पे लगा लिया, अब इसका अंदर से देख लें सारा, ठीक है। ये कोई बंदा देख के मुझे कह नहीं सकता कि ये 1989 मॉडल की गाड़ी है, और बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही है, ठीक है। अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो इसकी जो पुरानी तस्वीरें हैं वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, पहले देख सकते हैं इसकी क्या कंडीशन थी अंदर से, और आप देख सकते हैं कि अब ये क्या बन चुकी हुई है। ये गाड़ी हमने यहाँ से काटी थी इस तरह, ये कंप्लीट यहाँ से ऐसे काटा था, इसका कुप्पा वगैरह सारा नीचे से इस तरह काटा, ये मुकम्मल आगे वाला पीस, इसका फ्रंट जो शो है सारी ये नहीं लग गई। इसी तरह इस साइड से इसको यहाँ से काटा था ऐसे, यहाँ से कम्प्लीट नीचे से ऐसे काट के, ये साइड भी सारी नहीं लग गई। इसकी ये सील्स आप चेक कर लें, जैसे नई गाड़ी की सील्स आती हैं सेम वैसे इसकी ये सील्स वगैरह भी बना दी गई हैं सारी, ये जगह देख सकते हैं, ये सारी सील्स जो है ना इसकी जैसे नई गाड़ी की आती हैं सेम वैसे ही। इसी तरह नीचे भी ये फ्रेम्स के साथ भी जैसे नई गाड़ी की सील्स आती हैं सेम एज इट इज़ बना दी गई हैं। और नीचे से इसका जो हिस्सा ये मैंने आपको बताया था जहाँ कंघी लगी हुई है, इसकी स्टेयरिंग असम्बली जहाँ लगी हुई है, ये भी नीचे से गला हुआ था, ये भी चेंज किया था हमने। और ये जगह देख लें, यहाँ सील्स इसकी चेक कर लें, ये सारी सील्स जो है ना जैसे जेन्युइन गाड़ी की आती हैं सेम एज इट इज़ बना दी गई हैं। और ये पीस जो है ना इसका पेंट होने वाला था, ये पेंट करवा दिया था। इसका इंजन देख लें, इंजन इसका मुकम्मल ओवरऑल हुआ है, इंजन जो है कंप्लीट ओवरऑल किया गया, इसके रिंग पिस्टन और बाकी जो भी अंदर से काम था सारा वो सारा करवाया गया। इसकी ये पट्टी नहीं लगी है, फिर इसके ये रबड़ वगैरह जो है ये सारे नए लग चुके हुए हैं। उसके अलावा ये टेप लगाई है यहाँ पर, इसको अभी फ़िलहाल इसको सिलिकॉन हमने लगाई थी, इसलिए टेप लगाई है ताकि वो अपनी जगह पर ठहर जाए इसके स्टैंड के लिए जो क्लिप होता है। बाकी इसकी ये अपनी ये प्लेट जो है ना सिर्फ ये इसकी अपनी रह गई है, बाकी सारी चीज़ें इसकी नहीं। फिर इसकी वायरिंग जो है, वायरिंग सारी इसकी नहीं लगी है गाड़ी की, ये देख लें ब्रांड न्यू वायरिंग है सारी, ये वायरिंग देख लें। फिर उसके अलावा इसका जो एयर क्लीनर का ये एयर क्लीनर है सारा, ये भी नया लगा है। इसकी ये बॉटल्स वगैरह सारी नहीं लगी हैं। इसका ये मास्टर सिलेंडर देख लें, ये भी नया लगा है। इसकी ये मोटर नहीं लगी है, ठीक है। इसके शॉक्स वगैरह सारे नए लगे हैं। फ्रंट सस्पेंशन कम्प्लीट हुआ है। उसके अलावा आपको ये नज़र आ रही होगी नीचे इसकी कंघी, स्टेयरिंग असम्बली, ये भी सारी नहीं लगी है, ठीक है। ये कॉइल्स की वायरिंग वगैरह कंप्लीट वायरिंग जो है ना गाड़ी की हमने ख़रीदी थी वो भी सारी नहीं लग चुकी है। इसके ये कवर वगैरह ऊपर के नए लगे हैं। अभी मैं आपको इंजन इसका स्टार्ट करके भी चेक करवा दूँगा। ये साइड कवर भी नया लगा है, हल्की हल्की डस्ट पड़ी हुई है। तो अभी ये खैर जो छोटे मोटे काम है वो साथ साथ चलते रहते हैं, सफाइयाँ होती रहेंगी। और इसका रेडिएटर जो है ये भी नया लगा है। फिर रेडिएटर का फ़ैन, ये जो पेंट होने वाला था हिस्सा वो भी पेंट करवा दिया गया है। इसी तरह बोनट देख लें अंदर से, बोनट अंदर से कंप्लीट पेंट हो चुका हुआ है, ये देखें माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत है।
अभी मैं आपको गाड़ी जो है स्टार्ट करके भी चेक करवाता हूँ। गाड़ी को हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ये देखिए हाफ सेल्फ स्टार्ट है। ये देखें गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, इसके बेल्ट वगैरह भी सारे नए लगे हैं और माशाल्लाह ये गाड़ी का साउंड आप चेक कर लें। इसका साउंड वगैरह भी माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको इसके रेस वगैरह भी देख के चेक करवाता हूँ। ये यहाँ से इसको रेस देते हैं और ये साउंड इसको चेक करें। ये चेक करें इसका साउंड, माशाल्लाह बेहतरीन साउंड है। और अब मैं आपको जो है इस गाड़ी को बंद करते हैं और अब मैं आपको इसका इंटीरियर सारा चेक करवाता हूँ, इंटीरियर में क्या क्या काम हुआ है। वीडियो देखते रहना, इसमें मैं आपको जो है ना इसकी डिटेल मुकम्मल आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले ये देख लें, इसकी ये चाबियाँ देख लें, ठीक है। इसका कम्प्लीट लॉक सेट सारे जो है ना लॉक नहीं लगे हैं, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। फिर दरवाज़े से स्टार्ट करते हैं, इसके दरवाज़ों के गत्ते चेक करें, नए लगे हैं बिल्कुल। दरवाजे सारे अंदर से पेंट हुए हैं, ये देख लें सारे गत्ते इसके यूरो 2 वाले लगे हैं, ठीक है। यहाँ पर इनमें स्पेस है, यहाँ पर स्पीकर वगैरह लगवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फिर इसका डैशबोर्ड देख लें, ये डैशबोर्ड इसका लगा है और ये इंपोर्टेड है, ये लोकल डैशबोर्ड नहीं है। इसमें बहुत सी क्वालिटीज़ आती हैं तो ये अच्छा वाला डैशबोर्ड है, ठीक है। इसका मीटर देख लें, मीटर आपने पहले देखा था टूटा हुआ था सारा, ये मीटर भी नया लग गया। इस पर सिर्फ अभी 3 किलोमीटर था, अभी इन्होंने जाकर अब ये शुरू करनी है। कह लें कि गाड़ी बिल्कुल न्यू हो गई है। इसके फ्रश देख लें, फ्रश हमने सारे रंग कर दिए थे अंदर से। अच्छा, ये इसके ऊपर मैंने मैट रखा हुआ है ताकि इसका जो है ना नीचे से क्लीन गंदा ना हो। ये देख लें इसके सारे नए लग गए हैं। इसी तरह मैं आपको इसका दिखाता हूँ, ये सीट देख लें इसकी, इसकी सीट बिल्कुल न्यू बनी है सारी और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनी है। अब मैं आपको इसकी छत दिखा दूँ तो ये छत इसकी देख लें, ये यूरो 2 वाली छत लगवाई गई है गाड़ी में। इसकी लाइट्स वगैरह सारी नहीं लगी हैं, शीशा नया लगा है, ठीक है जी। अभी मीटर की लाइट्स ऑन करके देखते हैं, ये मीटर की लाइट्स ऑन हो गई। अभी मैंने लाइट ऑन की हुई है इसलिए आपको ज़रा नज़र नहीं आ रहा होगा इसमें, आप देख सकते हैं इसमें मीटर की लाइट्स वगैरह सारी वर्किंग है। ये ऊपर वाला कवर भी इसका ये भी नया लगा है, नॉब्स वगैरह सारी हर चीज़ नहीं लगी है। और ये कवर जो पीछे वाला इसके ये भी नया लगा, सिर्फ इसका स्टीयरिंग अभी पुराना रह गया, ये भी जो है ना चेंज कर लेंगे। अभी अंधेरा हो रहा था, मैंने कहा पहले वीडियो आपको बना के दिखा देता हूँ। हैंडल्स वगैरह हर चीज़ नहीं लग चुकी है गाड़ी की। अब मैं बैक साइड से खोलता हूँ इसे, तो ये बैक साइड से देख लें, बैक साइड से भी सारी गाड़ी न्यू हो गई है। इसकी सीट्स देखें माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी सीट्स। और ये भी नहीं कि सीट्स हार्ड हैं, ये बहुत कंफर्टेबल हैं, नरम नरम सीट्स हैं। ये देखें नरम सीट्स इसकी बनवाई गई हैं सारी। ये छत इसकी देख लें अंदर से, सारी छत इसकी फिट हो चुकी है। इसके हैंडल ये सारे ऊपर वाले नए लगे हैं, ये वाले हैंडल भी नए लगे हुए हैं। अभी मैं आपको इसके फिर डिग्गी वगैरह दिखा देता हूँ। अभी इसमें कोई साउंड सिस्टम फ़िलहाल तो नहीं लगा, तो इसके ऑनर जो है वो फिर खुद ही लगवा लेंगे। दरवाज़ा बंद किया है, अब मैं इसकी डिग्गी खोलता हूँ और आपको डिग्गी में से गाड़ी चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, इसकी डिग्गी खोल ली है, अंदर से देख लें सारी गाड़ी जो है ना पेंट हो गई है सिल्वर कलर में। ये देख सकते हैं टोटल कार पेंट हो चुकी है। ये देख लें जी अंदर से, पहले सारा जंग पड़ा हुआ था, ये गत्ते सारे नए लग गए हैं, ये प्लास्टिक के पीस जो आते हैं ये भी नए लग गए हैं, पिछला मैट नया लग गया। तो गाड़ी की वीडियो आपने देख ली है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। गाड़ी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि गाड़ी कैसी तैयार हुई है। और अब जो है आपके साथ इसका खर्चा शेयर कर देते हैं, इसके ऊपर कितने पैसे लगे हैं, टोटल कॉस्ट क्या आई है, सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, गाड़ी के ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, बहुत ज़्यादा इसके पार्ट्स चेंज हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें इसमें तकरीबन कह लें कि हर चीज़ इसमें नहीं लगी है, पुराना इसमें कुछ रह नहीं गया। इसके तकरीबन सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, दरवाजे वगैरह इन्होंने पहले चेंज करवाए थे, फ्रश वगैरह फ्रश और जो भी कुछ चीज़ें हैं ना वो पहले चेंज हुई थी। हमने इसके पैनल वगैरह चेंज किए और बाकी चीज़ें, फ्रंट इसका सारा गला हुआ था वो हमने चेंज किया था, ठीक है। अभी मैं आपको सारा बता देता हूँ कि इसके ऊपर कितने पैसे लगे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो है इसका बोनट है, बोनट इसका आया था तकरीबन 9300 रुपये का, 9300 रुपये का बोनट है। इसी तरह इसके फेंडर्स आ जाते हैं दोनों, तकरीबन 5500-6000 रुपये के जो है ना इसके फेंडर आ जाते हैं दोनों। फिर आ जाता है जी डैशबोर्ड, डैशबोर्ड इसका मैंने आपको बताया था कि आपने अच्छा वाला लेना है, ठीक है। इंपोर्टेड डैशबोर्ड जो आता है इसका वो तकरीबन आता है 3000 रुपये का, और 2000 रुपये जो है ना इसके ऊपर लेबर लग गया था इलेक्ट्रिशियन की, इसको फिटिंग वगैरह करने में। तो इसके दरवाज़ों के सारे गत्ते चेंज हुए थे, वो 2500 रुपये का सेट आया था। फिर इसका कारपेट जो है वो 2200 रुपये का आया था। ये गाड़ी का कुछ अर्सा पहले जो है ना तैयार हुई थी,
जब मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इससे कुछ अर्सा पहले गाड़ी तैयार हुई है, तो मार्केट में जो है ना आजकल रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो कम तो खैर हो नहीं रहे, बढ़ ही रहे हैं, तो थोड़ा बहुत प्राइस का जो है ना डिफरेंस हो सकता है। बाकी आपको मैं आगे बता देता हूँ, इसकी सीट्स जो है इसकी बनी थी सारी आपने देखा है, वो तकरीबन उसके फोम वगैरह भी नए डाले थे, 11-12 हज़ार रुपये में जो है ना सीटें इसकी बनी थी उस टाइम पे, और इसके पैनल वगैरह बने थे, पैनल इसके नए लगे थे और बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं इसके नए लगे थे, तो वो सारा कुछ जो है इसका 5500 रुपये में हुआ था, ठीक है। फिर इसके फ्रेम वगैरह चेंज हुए थे, फ्रेम जो है ना तकरीबन कह लें कि 15,000 रुपये के आसपास जो है ना इसके फ्रेम आ जाते हैं, ठीक है। बम्पर इसके चेंज हुए थे, फ्रंट और बैक दोनों, ये इसका सेट आता है 2400 रुपये का। फिर इसकी हेडलाइट्स चेंज हुई थी, हेडलाइट तकरीबन 6500 इतने की आती हैं। फिर इसकी ग्रिल चेंज हुई थी, 350 रुपये की ग्रिल आ गई। फिर इसकी बम्पर लाइट्स नहीं लगी थी, 500 रुपये की बम्पर लाइट, बैक लाइट्स आ गई तकरीबन 1000-1200 रुपये की आती हैं। प्राइजेस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज हो रही है, इसलिए मैं आपको जो है ना रेट बता रहा हूँ, इनमें ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता, जितनी दफ़ा भी पार्ट्स नए लेने जाएँ हर दफ़ा ऊपर ही हुए होते हैं, तो इसलिए इसमें जो है ना थोड़ा बहुत हो सकता है डिफरेंस। बाकी आ जाते हैं, इसकी रूफ़ मोल्डिंग्स इसके नई लगी थी 2000 रुपये की। फिर इसके डोर स्ट्रिप्स नई लगी थी, दरवाज़ों के ऊपर जो गोले लगते हैं वो भी 2000 रुपये के। रूफ़ क्लॉथ 1200 रुपये का, पहले इसका छत का कपड़ा लगा था, बाद में उन्होंने कहा था कि हमने छत नई वाली लगवानी है जो यूरो 2 मेहरान की आती है, फिर वो बाद में लगी थी। स्टेयरिंग असम्बली इसकी नई लगी थी कंगी 6800 रुपीज़ की। इसके बॉल जॉइंट नए लगे थे 2500 रुपये के, ठीक है। इसके शॉक्स लगे थे नए 5000 रुपये के बिलालगंज से। इसके जो फ्रंट डिस्क हैं उनका टूल लगा था, और इसका जो भी काम था वो तकरीबन 1000 रुपये में हुआ था। फिर इसकी नंबर प्लेट की लाइटें दोनों नई लगी थी 240 रुपये की। फेंडर शील्ड और ये इसके जो स्क्रूज़ वगैरह हैं ये 300 रुपये के आए थे। मड फ्लैप्स आए थे इसके नए 250 रुपये के। रेडिएटर का ब्रैकेट और रबर 50 रुपये का। रेडिएटर इसका नया लगा था 6500 का। फिर इसका मास्टर सिलेंडर एक नया लगा था 2000 रुपये का। फिर इसके पिछले शॉक नए लगे थे 3000 के। स्पीडोमीटर इसका नया लगा था 3500 रुपये का स्पीडोमीटर आया था, ठीक है ना। काफ़ी सारी चीज़ें अभी मैं एक एक आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसका मैं शॉर्ट ही रखूँगा और डेंटिंग पेंटिंग पे जो है ना इसको एंड करेंगे। अभी मैं आप कुछ पार्ट्स हो रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और फिर आगे देखते हैं। तो मैंने पार्ट 7 में आपसे कहा था कि एक छोटा सा Q&A करेंगे इस कार से रिलेटेड, जो आपके क्वेश्चंस हैं आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में पोस्ट कर लें, उसका मैं आंसर इंशाल्लाह ताला इसकी फ़ाइनल वीडियो में कर दूंगा। तो अब जो लोगों के क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पर आंसर कर देता हूँ। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो था ना, 80% लोगों ने ये पूछा हुआ था कि यार इसका खर्चा आप बता दें हमें कितने पैसे लगे हैं, तो वो फाइनल वीडियो जो है इसी में आपको जो है इसका खर्चा वगैरह बता देंगे सारा, और इसमें आपको कुछ पहले बता दें कुछ बाद में बता देंगे खर्चा सारा, मतलब आपको इसी में मिल जाएगा। और उसके अलावा कुछ लोगों ने पूछा था इसकी वायरिंग कितने की आई है, इसकी वायरिंग जो है ना मुकम्मल हमने नई ख़रीदी थी मेहरान की, तो वो हमें मिली थी तकरीबन 5500 रुपये की। हाँ, और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि इसके ऊपर टाइम कितना लग जाता है, इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर कितना टाइम लग जाता है, तो ये मुकम्मल गाड़ी तैयार करने में तकरीबन जो है ना 1.5 से 2 माह लग जाते हैं आराम से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम होता है तो ये सारा काम करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। हाँ, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि भाई साल बाद जो है ना पुटीन फट जाएगी, इसका मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पुटीन कब फटती है, पहली बात तो ये है, पुटीन फटती तब है जब आप जंग वाली जगह के ऊपर पुटीन लगा देते हैं, ठीक है ना, मतलब नीचे से गला हुआ है जंग है उसके ऊपर ही पुटीन लगा के उसको पेंट कर दें, उस सूरत में जो है पुटीन फट जाती है, और पुटीन हल्की हो तब फटती है, ठीक है ना, या गाड़ी एक्सीडेंट हो तब फटती है। हमने जिस तरीके से लगाई होती हैं आप सारे देखते हैं, आपको बेहतर तरीके से पता होगा, हम पहले उस पीस नया लगाते हैं, अगर तो गला पर पीस नया लगाएंगे, उसको साफ़ करेंगे अच्छी तरह, उसके ऊपर कोई जंग ना हो, ठीक है ना, जंग मौजूद ना हो, फिर उसके ऊपर फिलर लगेगा। फिलर का बेसिकली मकसद सिर्फ यही होता है कि इसके स्क्रैच कवर करने होते हैं। अच्छा, एक भाई ने पूछा है कि भाई मेरा सवाल ये है कि आप मुझे मेहरान गिफ्ट करें, आंसर लाजमी देना, लेकिन जी अगर तो मेरी मेहरान होती तो शायद मैं इस बारे में सोच लेता। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गाड़ी मेरी है ही नहीं, कस्टमर की गाड़ी होती है, तो उनकी गाड़ी हम तैयार करते हैं और भेज देते हैं वापस उनको, ठीक है, तो ये आपको गिफ्ट नहीं मिल सकता। अच्छा, और कुछ लोग जो है ना, अच्छा, धमकियाँ लगा रहे थे कमेंट्स में कि जी आप जो है फाइनल वीडियो अपलोड नहीं कर रहे, हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और यार क्या हो गया, कोई मेरी भी मजबूरी हो सकती है, कोई मजबूरी समझा करें कभी किसी बंदे की, तो इस तरह ना किया करें, थोड़े हौसले से काम लें। और ये गाड़ियाँ ऐसी हैं, ऐसे काम है कि
लोग पकड़ते नहीं है इस तरह की गाड़ियाँ, ठीक है ना। 89 मॉडल की गाड़ी है, गली सड़ी गाड़ी है, लोग तो यकीन करें अपनी वर्कशॉप में आने नहीं देते इस तरह की गाड़ियाँ, पकड़ते ही नहीं है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कोई हाथ नहीं डालता, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कम्प्लीट की हैं और बेशुमार गाड़ियाँ की हैं इस तरह की। ये कोई पहली गाड़ी नहीं है, और बहुत सी गाड़ियाँ हमने तैयार की हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि गली सड़ी गाड़ी ना लिया करें, उसके ऊपर पैसे उसकी कॉस्ट उसकी कीमत से ज़्यादा लग जाते हैं, और फिर आप लोग शिकायत ये करते हैं कि यार इतने ज़्यादा पैसे लग गए, इतने की तो नहीं ले लेते तो बेहतर था। और ये भी कमेंट्स आते हैं कि गाड़ी जो है ख़ुद लेके तैयार करवानी चाहिए या फिर गाड़ी नहीं लेनी चाहिए तैयार हुई। तो रिकमेंड मैं आपको ये करूँगा, देखें जी अगर तो आपके पास पैसे हैं 4-5 लाख तो आप 2000 मॉडल से ऊपर ही जाएँ, तकरीबन 6-7 मॉडल की गाड़ी लें आराम सुकून से, ठीक है। 9 मॉडल की, 10 मॉडल की जितनी भी आती है वो लें, उसमें छोटे मोटे काम जो है वो करवा लें। 90, 91, 92 मॉडल की गाड़ियाँ जो है ना मोस्टली गाड़ियाँ गली होती हैं, इतनी पुरानी गाड़ी है चादर पुरानी हो जाती है गल जाती हैं, जैसे ये देखें ना ये खड़ी हुई है इस तरह गाड़ियाँ सारी गल जाती हैं। तो बेहतर यही है कि उनमें छोटे मोटे आप काम करवा लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो यही कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के, वो मैंने आंसर कर दी हैं। और भी कोई अगर होते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की, ठीक है। और जो है आपके भाई ने जो है ना टिकटॉक का अकाउंट बनाया हुआ है, ये आपको ऊपर नज़र आ रही होगी टिकटॉक आईडी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके ज़रा फॉलो करें और वीडियोज़ को लाइक वगैरह भी करें। तो मैं छोटी छोटी वीडियोज़ वहाँ पर भी शुरू की हैं, तो सपोर्ट करें वहाँ पर मुझे, तो आगे फिर जो है ना आपको बाकी खर्चा बताते हैं आ जाएँ। तो उसके बाद आ जाती है जी इसकी वाइपर बॉटल, ये भी नहीं लगी थी 350 रुपये की। फिर इसकी जनाब स्टेयरिंग कवर आ गया 350 रुपये का, बैकलाइट बल्ब और होल्डर वगैरह सारा कुछ 680 रुपये के आ गए। हॉस पाइप आ गए इसके दोनों 400 रुपये के, पेट्रोल पाइप इसका नया लगा था ख़राब था 600 रुपये का लगा। इसकी लॉक इसका जो है ना कंप्लीट लॉक का सेट लगा था, मुकम्मल किट लगी थी तकरीबन 1800 रुपये की। सन शेड्स इसके लगे थे 450 रुपये के, हैंडल इसके नए लगे थे छत वाले तो 150 रुपये के हैंडल आए थे। इसके स्टिकर जो पीछे लोगो वगैरह आते हैं ये भी नए लगे थे 100 रुपये के आए थे। फ्लोर रबर्स जो फर्श के अंदर गोल रबड़ लगे होते हैं पानी से बचाने के लिए इसको, तो वो भी नए आए थे तकरीबन 120 रुपये के। ग्लास हैंडल्स जो इसके शीशों के जो हैंडल आते हैं इसको ऊपर नीचे करने वाले, वो भी नए लगे थे सारे 240 रुपये के। इसके हैंडल इसके जो डोर हैंडल्स हैं उनके अंदर एक छोटी कोली सी होती है पीछे हाउसिंग टाइप सी, तो वो भी इसकी नई लगी थी 260 रुपये की आई थी। और इसके क्लिप वगैरह कुछ नए लगे थे, स्क्रूज नए लगे थे तकरीबन 70 रुपीज़ के वो आ गए। अब जो है मेन खर्चा आ गया इसका डेंटिंग पेंटिंग का, अब वो आपको मैं बताता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने वेट किया है तो ये बताना ज़रूरी है। इसके पेंट के ऊपर जो है वो 35,000 रुपीज़ चार्जेस आए थे और डेंटिंग इसके तकरीबन 43,000 आए थे, ठीक है। इसी तरह इसका इंजन जो है इसके ऊपर इसका मुकम्मल इंजन ओवरऑल हुआ था उसकी कॉस्ट जो है वो 35,000 रुपीज़ है, और सस्पेंशन का काम भी हुआ था और कुछ ब्रेक सर्विस वगैरह भी थी वो 7,000 रुपये में हो गई थी इसकी लेबर में आपको बता रहा हूँ। तो अब आप इसका ख़ुद टोटल कर लें कि इसका क्या टोटल हो जाएगा, कितने पैसे हो जाएंगे। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको बीच में नहीं बताई हैं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है, ये मेरे पास डायरी पड़ी हुई है, ये पूरी भरी पड़ी है, इसके तकरीबन 4-5 जो है ना पेजेस बने हुए हैं, इतने ज़्यादा इसके पार्ट्स लगे थे। तो जो है ना अप्रोक्सीमेटली जो इसका टोटल हुआ था तकरीबन 2.5 लाख तक इसका बन गया था खर्चा सारा मुकम्मल गाड़ी का। और फिर उन्होंने इसके अंदर जो है अलॉय रिम और टायर नए लगवा दिए थे, उनका मैं आपको बता देता हूँ, वो लेकर आए थे तकरीबन 40,000 रुपये का सेट, चारों नए टायर और नए अलॉय रिम तकरीबन जो है 23,000 रुपये के इसके 23,000 रुपये के इसके रिम थे और 17,000 रुपये के इसके टायर थे, तो 40,000 रुपये ये हो गया तकरीबन 2,90,000 रुपये के जो है ना गाड़ी सारी तैयार हुई है। और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नई जैसी हो गई है, और वीडियो काफ़ी लेट हो गई है उसके लिए माजरत, काफ़ी दिनों बाद वीडियो पोस्ट की है। और थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि इसके ओनर से भी हमने पैसे लेने थे, गाड़ी हमने बेच दी हुई थी लेकिन पैसे अभी तक हमने नहीं थे लिए, हमने कहा इतमाद करके उनके ऊपर जो है हमने बेच दी थी लेकिन अभी तक खैर आई नहीं है वापस। हमने उनको कहा था अगर कोई छोटा मोटा काम रह जाता है तो आप करवा सकते हैं हमारे पास ला के, तो इंशाल्लाह ताला आएगी फिर वो करवा के दे देंगे। और अभी 35,000 जो है हमारा रहता है अभी बैलेंस है, उनसे लेना है हमने तो इंशाल्लाह ताला वो क्लियर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा लेट हो रहा था, मैं कह रहा था कि वीडियो लेट होने की वजह यही थी, मैं चाह रहा था कि जो है उनसे जब क्लियर हो जाए सारा बिल वगैरह उसके बाद जो है मैं आपके साथ शेयर करूं, तो खैर वो नहीं हो सका लेकिन मुझे फिर वीडियो पहले बनानी पड़ी है। तो वीडियो मैंने आपको बता दी है,
आपने इसका देख लिया खर्चा वगैरह, इसकी सारी कॉस्ट। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और जो दोस्त नहीं हुआ चैनल पे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लिया करें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं गाड़ियों के, एक कल्टस है, एक ये है, इसके अलावा एक और कल्टस है, फिर सिविक है हमारे पास CF4, वो भी बननी है। तो वर्कशॉप जो है हमारी वो जे रोड लाहौर में है। वर्कशॉप का फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से, सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे के दरमियान आप कॉल कर सकते हैं। अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।